भाइयों और बहनों, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे उनकी नीति और रणनीति में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं नहीं था। उनके लिए उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान के और क्षेत्र, उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना, अपने घर भरना, अपनों का ही ख्याल रखना। भाइयों बहनों, हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया? पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। आप बताइए भाइयों बहनों, इसे आप काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसे आप काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या इसमें लोगों की भलाई है कि नहीं है? इससे उत्तराखंड का भला होगा कि नहीं होगा? आपकी भावी पीढ़ियों का भला होगा कि नहीं होगा? उत्तराखंड के नौजवानों का भाग्य खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इतना ही नहीं, पहले की सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ के आसपास खर्च किया। कितने कितने? 600 करोड़। कितने समय में? 7 साल में। 7 साल में कितना खर्चा किया पहले वालों ने? 600 करोड़। कितना किया? अब जरा सुन लीजिए, जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। कहां 600 करोड़ और कहां 12,000 करोड़ रुपया? आप मुझे बताइए, हमारे लिए उत्तराखंड प्राथमिकता है कि नहीं है? आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने करके दिखाया है कि नहीं दिखाया? हम जी जान से उत्तराखंड के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? और भाइयों बहनों, ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम होता है तो कितनी चीजों की जरूरत होती है।
सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए, उद्यमी लोग चाहिए, स्थानीय युवाओं को अनेक प्रकार का लाभ का अवसर पैदा होता है। इन कामों को जो श्रमिक लगते हैं, इंजीनियर लगते हैं, मैनेजमेंट लगता है, वो भी अधिकतर स्थानीय स्तर पर जुट जाते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट अपने साथ उत्तराखंड में रोजगार का एक नया इकोसिस्टम बन रहे हैं, हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, 5 साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था उसको दोबारा याद कराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। याद कर लेना मैंने क्या कहा था, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवनी, उत्तराखंड के काम ही आली।